अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो आज का सीन्स कुछ ऐसा है कि एक तो मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और आज मैं अपने आप को जो है मेरा ट्रैक है मॉर्निंग वॉक का और उसके बारे में बताऊँगा, और मैं जो सिंपल नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ डेली वो बताऊँगा, और उसके बाद जो अगला सीन वो ये है कि मैं आपको दिखाऊँगा अपना स्कूल, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सा मेरा ट्रैक है वो 1 किलोमीटर का है, मतलब कि 2 किलोमीटर में वॉक करता हूँ रोज़, और 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर वापसी जो सा है, और स्कूल तक मेरा होता है। तो स्कूल मेरा जो सा है पास में ही है। तो आज इसके बारे में दिखाऊंगा मैं आपको, तो लेट्स सी, चलते हैं। सो मैं घर से निकल चुका हूँ, और सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर फील्ड्स की सैर करवाऊँगा, और स्पेशली जो है आपको मैं कद्दू की बेलें जिसे कहते हैं आमतौर पर वो दिखाऊंगा, उसके फूल लगे हुए हैं, और अगर देखूंगा अगर कोई कद्दू वगैरह लगा हुआ है तो वो दिखाऊंगा। उसके बाद भिंडी है यहाँ पे, भिंडी के बाद बाकी जो है चीज़ें वो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपना वो बेसिक ट्रैक जो है मेरा मॉर्निंग का वो दिखाऊँगा मैं। तो ये हैं कद्दू की बेलें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक छोटा सा मिल गया है, और आपको मैं वो दिखाता हूँ, ये छोटा सा है इधर, ये वाला, ये रहा। उसके बाद अभी भड़े की तलाश में हूँ, मैं देखता हूँ कोई तो अगर हुआ उसको मैं जो है कट करके घर ले जाऊँगा, और वो साल में खाना वगैरह बनाने के काम आएगा। उसके ये फूल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और अब मैं इसकी फ़ोटोग्राफी जो सी की हुई है अभी मैं वो उनका वो दिखाऊँगा। और उसके बाद मुझे एक और मिल गया है, ये रहा छोटा सा, अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैं तोड़ के लेके गया था घर, तो मे भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बड़ा जो है वो मिले। और ये इसके खूबसूरत फूल देख रहे हैं, फूल जैसे फूल है कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको जो भिंडी का दिखाता हूँ इधर, और ये रही भिंडी, और ये भी रिसेंटली गई है टूट के घर, मतलब के पकाने के लिए, तो कम ही है, और जो रह गई हैं वो पक चुकी हैं इस वक्त। तो इसका मैं फूल दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे मिले ना कोई अच्छा सा, मतलब के खिला हुआ फूल जो है गोभी का, सॉरी गोभी कह रहा हूँ भिंडी का। और एक ये है यहाँ पे फूल, ये वाला, और उसके बाद जो है ये है, ये भी फ़िलहाल जैसे होना के खिलने चाहिए वैसे खिले हुए नहीं है। तो बस अभी फ़िलहाल यही है। सो अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा अपना बेसिक ट्रैक जो है मेरा वॉक का, तो जैसी आए चलते हैं। सो फाइनली जो है अभी हम रोड पे आ गए हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रोड की एक साइड जोन सी है, उसके बाद जो नेक्स्ट साइड है वो वाली, और लेट्स सी क्या सीन है। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है, तो रोड जोन सी है बिल्कुल खाली है, ये इधर मेरे राइट साइड है, लेफ्ट साइड जोन सी है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी फ़िलहाल जो सी ये भी बिल्कुल खाली है। तो हमारा जोन है वो उधर वाली साइड का है, और वहाँ से जो सा ब्रिज है ब्रिज क्रॉस करके उधर वाली साइड पर जाएँगे, और उसके बाद का जो सा सीन है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज। फाइनली जो है ब्रिज से पहले जो है यहाँ पे एक अंकल मिल गया हमें सदाई वाले, तो आपको दिखाते हैं सदाई का जो है प्रोसेस है। तो ये अंकल है, अभी बर्फ़ आई है स्पेशल वाली, तो सदाई जो है वो तैयार हो रही है, ये आपको मैं दिखाऊँ प्रोसेस। तो अभी ये अंकल इसे ग्लास वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो तैयार होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वापसी पे ट्राई करें। तो लेट्स सी, अभी फिर हमारा जो है अगला प्रोसेस है वो ख़त्म होने के बाद जो है वो हम इसको आके दोबारा ट्राई करेंगे।
फिलहाल ब्रिज पे आ गए हैं। ये इधर वाली साइड में जो सी नहर है, इधर वाली साइड पे भी है। अभी फिलहाल जो है ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। ये मतलब कि छोटे छोटे ब्रिज हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और ये हमारा हो गया ब्रिज क्रॉस। और फिलहाल हम जाएंगे स्कूल की तरफ। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो डेरे काम था। सो सूरज जो है वो भी निकल चुका है, तो बस अब चलते हैं और जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको फिर वो भी दिखाएंगे। फाइनली जो है अभी मैं आपको जैसा कि पहले बताया कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट जो है 500 जो है मीटर हमने जो है सफ़र तय कर लिया है। और उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे स्कूल की तरफ। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है, कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी रास्ते में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है और उसकी वीडियो भी मैं दिखाऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल यहाँ पर डेरे बने हैं 2-3 छोटे छोटे, और ये आप देख सकते हैं कि भैंसे वगैरह है। मतलब कि विलेज एरिया में रहने का अपना ही मज़ा है, बंदा एक से एक जो सी नई चीज़ है वो देखता है। और उसके बाद का जो सीन है फिर मैं आपको आगे जाके एक्सरसाइज रह गई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी एक जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है मेरी आम डेज में, और उसके बाद सीन अभी यार बहुत ही खूबसूरत है। ये एक दरख्त लगा हुआ है फूलों का, और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं। अब जाएंगे वहाँ पे जाके फिर जो उनसे कब्र वो वाला सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं। हम जो से हैं फाइनली पहुंच चुके हैं हम। और ये रहा इधर स्कूल की बैक साइड है, अभी मैं फ्रंट साइड दिखाऊंगा। ये सिक्योरिटी रीजन की थोड़ी बहुत, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वगैरह की थी, तो गेट वगैरह में भी थोड़ा सा हो। और अभी ये सीन देख सकते हैं, ये परिंदे जैसे आ रहे हैं। सुबह का सीन है और मौसम जो है बिल्कुल बहुत ही खुशगवार मौसम जो है वो है, और आपको मैं बता नहीं सकता। फाइनली जो है ये रहा हमारे स्कूल का जो है बॉयज़ कैंपस है उसका मेन गेट, और मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा जूम करके अगर हुआ के। ये रहा नेशनल ग्रामर हाई स्कूल, और यहाँ हमारी इधर फ्लैक्स लगी हुई है जहाँ पे हमारे मार्क्स थे बोर्ड के। उधर स्पेशली हम 3-4 दो जो बैक बेंचेस थे, हम हमारे स्क्वाड के हमारा जो उनको एंड पे जो से थे 80+85, वो उनके भी नाम थे। सो ये रहा स्कूल हमारा, और मैं ऊपर वाली साइड से आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाए। और ये रहा, सो
भी फ़िलहाल जो सा है वो लॉक है, और अभी उसके बाद इधर यहाँ पे शहतूत का पौधा है। हमारी जो सी यादें हैं स्कूल के साथ, काफ़ी यादें वाबस्ते हैं। यहाँ से हम शहतूत खाते होते थे, उसके बाद ये एक पेड़ है, इसे बोर्ड कहते हैं आमतौर पे, और यहाँ पे हमने जो से हैं इसकी शाखें पकड़ के झूले लेना हमारा मामूल का काम था। और ये जो सा है ये गर्ल्स कैंपस है, और आगे जो सा है वो प्रिंसिपल साहब का घर जो सा है वो है। और बाकी ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारा कैफेटेरिया मतलब कि कंटीन थी, मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ें मिलती थी। वो हमारे सर आ रहे हैं उधर से, तो मिलते हैं उनसे अब। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल चाल है, सर क्या हाल चाल है, सर फिट फाट है सर? ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम ज़रा दिखाए सर। हाँ जी सर, चलें, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सर थे यहाँ पे, और इससे कहले कि एक्स मैन जो इंटरेक्टर जो उनसे मतलब के नीचा होता है, मतलब आई डोंट नो क्या चीज़ कहते हैं उसे। तो ये हमारे प्रिंसिपल साहब का घर है, ये आपको मैं दिखा दूँगा आगे क्या सीन हुआ है। ईद बाद दिन जो है हमारे जो से सर हैं उनकी डेथ हो गई थी, जो से मैनेजर डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल थे जो स्कूल के, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो उसके बाद अब देखते हैं लॉकडाउन है क्या सीन है उसके बाद का स्कूल का। और उन्होंने हमारे सर ने हमें जो है हर मुश्किल में हमें सपोर्ट किया है, हमारे जो है करेक्टर को बेहतर बनाने के लिए उनकी जो सी काशें हैं ना उसको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतने नेक इंसान थे कि बस जो से कह लें कि उनकी खसूसियात जो सी है वर्ड्स में जो सी बयान नहीं की जा सकती। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मगर फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना आपको अपना स्कूल के बाद दिखाया कि जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोई 13 साल गुजारे हैं अपनी लाइफ के स्टार्टिंग के, और उसके बाद जो सा आपको मैंने वो दिखाया कि अपनी मॉर्निंग वॉक मेरी क्या होती है और रूटीन और डेली लाइफ जो नॉर्मल होती हैं, एक्टिविटीज जो सी मेरी होती हैं ये एक्सरसाइज वगैरह। सो अब घर जाके जो नेक्स्ट है वो नाश्ता करना है और घर के जो बाकी मामूल के काम है। सो आज की वीडियो जो सी है इधर ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।